ओके ग्रेड फोर पेज नंबर 13 टॉपिक इज राउंडिंग नंबर वर्कशीट फोर ओके लुक एट द क्वेश्चन नंबर वन राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10 व्हाट आर द नियरेस्ट 10 टेन्स आर लाइक दोज नंबर लाइक 10 20 30 40 जिनका लास्ट डिजिट जीरो होता है दैट इज कॉल्ड 10 44 43 22 29 इस तरह के नंबर टेन्स नहीं होते ओके ओनली दोज नंबर द लास्ट डिजिट इज जीरो दैट आर कॉल्ड 10 ओके यू कैन सी द नंबर लाइन ऑन योर स्क्रीन This is called number line. 30, 40, 50. So 44 is between dash and dash. 44 किसके between है? It is between 40 and 50, right? So write 40 and 50 over here. 44 is near to 40 and 50. ठीक है? 44 is near to 40 than to 50. Then 44 the nearest 10 is 40. जो जिसके near होगा वो उसका nearest 10 होगा. 44 किसके near है? 1, 2, 3, 4. यहाँ से फोर डिजिट 1 2 3 4 5 यहाँ से फाइव डिजिट सो इट इज नियर टू 40 सिमिलरली पार्ट बी 1006 इज बिटवीन किसके बीच में है ये नंबर लाइन अगर आप देखें 1000 and 1010 के बीच में है 1000 and 1010 1006 इज नियर किसके अगर हम यहाँ से नंबर लाइन काउंट करें 1 2 3 4 फोर डिजिट 1 2 3 4 5 फाइव डिजिट सो इट इज नियर टू द 1010 सो इट इज राउंडेड टू द 1010 ठीक है बाकी ये भी होता है कि 1001 से लेके 1004 तक के जो नंबर्स होते हैं वो इस टेंस में जाते हैं 1005 से लेके 1009 तक के नंबर 1010 में राउंडेड होते हैं ओके नाउ लुक एट द पार्ट सी यू कैन सी द नंबर लाइन ये 595 इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन हाफ वे मीन बिल्कुल इट इज बिटवीन 590 एंड 600 ओके सो व्हाट इज द नियरेस्ट 10 ऑफ द 595 इट इज 600 95 के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका नियरेस्ट 10 होता है 600 लाइक आगे वाला होता है ठीक है नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 14 दिस इज योर होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू दिस सिमिलर यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द आंसर 24 इज डैश व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 अब आप चेक करें 24 कौन से नंबर पर आ रहा है 21 जो भी नंबर होंगे इधर वाले नंबर 130 में राउंडेड होते हैं और इधर वाले 135 से लेके 49 तक नंबर 140 में राउंडेड होते हैं ओके नाउ सिमिलर यू कैन सी पार्ट सी 4590 ये नंबर लाइन में कहाँ आएगा काउंट करें 91 92 93 94 95 96 97 and 98 ठीक है 4598 is nearest to 4600 तो ये किस में राउंडेड हो जाएगा 4600 में इसका नियरेस्ट 10 होगा सिमिलरली पार्ट डी 32290 यहाँ पर आएगा नंबर लाइन में अगर हम रीड करें दिस इज 32292 and 32292 and 93 जो नियरेस्ट 10 जिनका 60 हो तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं हमें पता है 61 62 63 64 64 तक के जो डिजिट है उनका नियरेस्ट 10 जो है 60 है अब बैकवर्ड काउंटिंग में हम देखें तो 59 58 57 एंड 56 एंड 55 यहां से स्टार्ट होंगे तो उनका भी नियरेस्ट 10 60 होगा सो राइट ऑल पॉसिबल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 55 टू 64 द नियरेस्ट 10 ऑफ दीज ऑल नंबर इज 60 Hope everything is clear to you.